रेलवे द्वारा अत्याधुनिक थाना निर्माण किया गया है और सारी जो है आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी कक्षों में सेंट्रल एसी लगी हुई है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगनी है सबके लिए इसमें व्यवस्था की गई है और जो हवालात बनाई गई है बहुत ही सुव्यवस्थित और जो मतलब किसी भी रहने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बार बार यह जो है शिकायतें होती रही हैं कि थानों में बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, मुलजिम भी आते हैं। तो जो एक मानवीय दृष्टिकोण से अपराधी के लिए भी कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है हालात को बनाने में कि उसका मानवीय शोषण ना हो। अब चोर को सुधारने से हाईटेक तो अपनी पुलिस की अपनी व्यवस्था है और सरकार की व्यवस्था है कि समय के अनुसार जो है परिवर्तन किया गया है इसको। अब इसमें कुल एक प्रभारी निरीक्षक कक्ष है, फिर महिला कक्ष है, चूँकि अभी शक्ति ऑपरेशन चल रहा है मुख्यमंत्री जी के, उसमें उसके लिए अलग कक्ष है, फिर सीसीटीवी का अलग कक्ष है, उप निरीक्षक के लिए अलग कक्ष है, थाना कार्यालय है, मलखाना है, शस्त्रागार है। जो थाने की मूलभूत जितनी आवश्यकताएँ हैं, एक जो थाने का जो मॉडल है उस अनुसार यह थाना बनाया गया है। तो क्या रहता है कि कब तक इसके ओपनिंग होने की संभावना है? अब इसका कार्य तो पूर्ण हो चुका है, जो है बिल्डिंग बनकर तैयार है और विभागीय जो भी प्रक्रियाएं हैं पूरी की जा रही हैं, उसके बाद ये थाना मान के चलिए। अब जीआरपी कैंट वाराणसी के नाम से ही बना ही है, वही रहेगा नाम इसका।